पेट में गर्मी रहती है, ऐसे एक नहीं बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें पेट में गर्मी बनी रहती है, कारण क्या है? हाँ देखिए, पेट की गर्मी और खून की गर्मी, ये दो बड़े कारण हैं आदमी की बीमारी के। जी, और अगर खून में गर्मी हो तो ब्लड प्रेशर और स्किन प्रॉब्लम, मुहासे और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। पेट की गर्मी हो तो इजाबत सही नहीं होती, और इजाबत सही नहीं हो यानी लैट्रिन सही नहीं हो तो फिर जाने कितने रोग उत्पन्न होते हैं। तो यूनानी में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उसको एक तो लैट्रिन सही हो, खुल के हो, भूख लगे, पेट का सिस्टम सही हो। इस सिस्टम को ठीक करने से भी बहुत बीमारियां अच्छी हो जाती हैं। और क्योंकि खून हमारी एक हमारा पेट्रोल है, और इस पेट्रोल को हम साफ सूफ रखें तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आसानी से चलती रहती है। जी स्वागत है आपका। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम राम शरण है जी, यमुनानगर से। जी सर, आपका सवाल। मेरा सवाल यह है जी, मैं आपका यानी कि 6 चीजों का नुस्खा और हाँ नमक जैतून भी खा रहा हूँ, जी, मगर मेरे पेट में गर्मी बहुत होती है, वो ठीक नहीं हो रही। और दूसरी बीमारियों में फायदा है? ऐसे और ना, ये पिछले हफ्ते ना मेरे को ना ब्लड में लाल यानी कि लाल ब्लड आया था बाथरूम, मेरी थैली लगी हुई है ना, तो ओहो, अब कई बार बाथरूम रुक भी जाता है। दर्द में कुछ फायदा है? दर्द तो नहीं, वो खा रहा था ना 6 सौंफ और जीरा अजवाइन धनिया मिर्ची जी, और नमक जैतून, अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं उसकी जगह वो खा लूँ आपका जो चार वाला है, अपना धनिया सौंफ आंवला और मेथी। हाँ ले सकते हैं। धनिया, सौंफ, आंवला, मेथी और नमक जैतून एक चुटकी के साथ आप इसे दिन में कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाएं, और पानी खूब पिया करें। कम से कम 2.5-3 लीटर पानी आपके लिए पीना अनिवार्य है। जी, दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। मेरे बेटे के फ्रेंड है ये, एक उसकी रीढ़ की हड्डी, वो कुछ वजन एक्सरसाइज कर रहा था तो उठा लिया, तो रीढ़ की हड्डी मैंने डिस्क की हड्डी डिगी, तो उसको बहुत पेन है काफी दिनों से, तो वो कल ही तो बात हो रही थी जब उसने बताई, तो मतलब मैं पूछ के दवाई बताऊंगी आपको। आपके पास है दवा? हाँ वो मैंने गोल किया है बताया था उनके लिए, तो मतलब क्या पता, मेरा बेटा बोला आप तो एक बार पूछना हकीम साहब से। नहीं, इसके लिए खास है। आप देखेंगे जब आपने उन्हें दी और वो 2-4 दिन में ही आपसे कहेंगे कि बहुत राहत है। ये बच्चे लोग अपनी इस्तेताद से ज़्यादा, अपनी शक्ति से ज़्यादा जब अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, हर चीज़ एक पै दर पै धीरे धीरे करनी चाहिए। तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ सरक जाती है, और नौजवान आदमी की हड्डी सरकना बेहिसाब पेन, दर्द की दवाएं भी खा रहे होंगे, लेकिन ये रोग ऐसा है यहाँ दर्द की दवाइयाँ भी नाकारा हो जाती हैं। यहाँ से यूनानी शुरू होती है। आप उन्हें आधा आधा ग्राम दें, 2 बार देना पड़े चाहे 3 बार देना पड़े, 5-5 घंटे के फर्क से, और नौजवान बच्चा दूध से दें और फौरन उनको देना शुरू करें, वो बच्चा बहुत जल्द ठीक होने वाला है। और देखें, वही वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें, और वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और कम से कम 3-4 महीने इलाज करें। अगर वो देखिए, यंग बच्चे बहुत जल्दी अच्छे होते हैं, कोई 10-15 दिन में ही अच्छा हो जाए, तो फिर अपनी ना चलाए, उसको बोल दीजिए कि पूरा इलाज करके वो करे, नहीं तो ये बार बार होगा। और जब वेट लिफ्टिंग करते हैं बच्चे तो करें, तो कम कम करें ताकि वो हमेशा अच्छा रह सके। जी।